है पल्स 24 में। मैं हूँ आपके साथ कनिका यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। झारखंड के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य के युवाओं को फ्री में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में की गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार से ऑनलाइन के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। प्रशिक्षण में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन सोलर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर, दर्जी सहित अन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को सेंटर से आने जाने हेतु DBT के माध्यम से युवाओं को 1,000 रुपये एवं युवतियों दिव्यांगों को 1,500 रुपये DBT के माध्यम से परिवहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। साथ ही सफल प्रशिक्षणार्थियों को 3 माह के नियोजन नहीं होने के उपरांत युवाओं को 1,000 रुपये एवं युवतियों और दिव्यांगों को 1,500-1,500 रुपये DBT के माध्यम से 1 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत पहले चरण यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के करीब 80 प्रखंडों में योजना की शुरुआत की गई है। इसमें राज्य के होनहार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। गोड्डा जिले से विभिन्न सेंटरों से ऑनलाइन प्रसारण को देखा गया।